बहुत खुशी मिलती है। अब जैसे ये लोग हाथ मिला रहे थे, मैं हाथ मिला रहा था इनसे, मैं बड़ा मतलब भावुक सा हो रहा था, लेकिन मैं कह रहा था मतलब यार ठीक है हाथ तो मिला रहा है लेकिन मेरे जैसा बनना जरूर एक दिन। मतलब मेरे जैसा क्या, मैंने कोई खास काम नहीं किया जिंदगी में, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया, मैंने कुछ अलग जिया, मैंने कुछ अलग खाया या अलग पहना या अलग पिया या अलग सोचा। मैं ऐसा ही हूं जैसे आप हो, एक आम आदमी। एक आम आदमी की आम जिंदगी शुरू हुई एक मिडिल क्लास फैमिली में। एक मिडिल क्लास फैमिली में जिंदगी शुरू हुई तो जिंदगी में नहीं पता थी बचपन में अहमियत पैसों की, तो बचपन में नहीं पढ़ाई लिखाई करी, नहीं कामयाबी हासिल करी, नहीं बड़ी डिग्री ली। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने पढ़ाने में कोई कमी छोड़ी थी, कोई कसर छोड़ी थी। उन्होंने तो अपने जितने एफर्ट्स हो सकते थे, जितने संसाधन हो सकते थे, हर संसाधन हर एफर्ट उन्होंने मेरी कामयाबी के लिए उपयोग किया। लेकिन मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में पैसे की बहुत महत्व होता है, बहुत अहमियत होती है। जिंदगी बीतती गई, आगे बढ़ते गए, फिर एक समय आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी हो गई। फिर एक समय आया, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जिम्मेदारी और बढ़ गई। तब धीरे धीरे पता चला कि इस दुनिया में कामयाबी की, सक्सेस की, पैसे की क्या अहमियत होती है। नहीं पता चलता कम उम्र में, हर आदमी को नहीं पता चलता। आप भी, हम सब एक ही जैसे, एक ही घर से, एक ही परिवार से। दूसरा, हम सब लोग मिडिल क्लास से, तो हमारे चारों तरफ लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ बड़ा करने जाते हैं तो फिर वो बड़ा करने भी नहीं देते, टांग खींचते, मजाक बनाते। तो मैं ये बात आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आप लोग मुझसे हाथ मिला रहे थे तो मैंने सोचा था कि यार इस हाथ को मिलाने का मजा तब है कि तुम भी ऐसे ही सोचो जैसे मैं सोचता हूं। मिलने का मजा तब है। तो लाइफ में कभी मन ही नहीं करा काम करने का, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनत करने, क्योंकि ना लाइफ एक ऐसी है कि हर आदमी, एवरीबडी वांट आराम, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट जिंदगी, टाइम से खाना, सोना, रहना, जिंदगी में ज्यादा मारामारी ना हो, ऐसा हर आदमी की थिंकिंग है दुनिया में। कोई मेरी थिंकिंग नहीं है, हर आदमी की थिंकिंग है। दुनिया में नौकरी 5 बजे छूटती है और हर आदमी घर भागता, बस नौकरी खत्म होगी, आया ना, खुश हो जाता है कि आराम मिल गया। स्कूल से छुट्टी होती थी तब भी घर भागते, आराम मिल गया, मतलब हम सब आराम की तरफ भागते, क्योंकि नेचुरल जो है हमारी प्रवृत्ति हर व्यक्ति की एक जैसी है। तो मैं भी जिंदगी में आराम की तरफ ही भागता रहता था, क्या करेंगे पैसे का, क्या करना है पैसे का, ठीक है मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा था, सरकारी नौकरी थी, पेंशन हो जाएगी, दोनों तीनों की लाइफ अपना चल जाएगी। लेकिन जिंदगी एक मोड़ ऐसा लेती है, एक ऐसा समय जिंदगी में जरूर आता है इंसान की कि कोई ना कोई सबक मिल जाता है और उसका क्यों क्लियर हो जाता है कि मुझे पैसा क्यों कमाना है, मुझे ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, मुझे तरक्की क्यों करनी है। क्योंकि देखिए, ज्यादा सक्सेस पाने के लिए, ज्यादा तरक्की पाने के लिए आपने ज्यादा प्रयास और ज्यादा प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, जो कोई व्यक्ति इस दुनिया में करना नहीं चाहता। आप लोग जैसलमेर जीत के आए, ठीक है, लेकिन आपने इससे लेसन क्या लिया ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान ने आपको एक लेसन दिया, परमात्मा ने आपके साथ एक न्याय किया कि आप ये जीत के, आपको ये एहसास दिला दिया कि बेटा तू चाहे तो जिंदगी जीत सकता है, ये छोटी जीत बड़ी जीत में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपने AWPL का निर्णय किया, डिसीजन लिया या काम करने का, ये कोई गारंटी नहीं आप कामयाब हो जाएंगे, पर ये ऊपर वाले ने आपके साथ न्याय किया कि मैंने बच्चे पैदा चाहे तुझे किसी भी घर में किया, चाहे मट्टी के घर में किया, चाहे किराए के घर में किया, चाहे कमजोर घर में किया, पर फिर भी मैं इस जीवन में तुझे ताकतवर बनने का एक मौका देता हूं। ये बहुत बड़ा न्याय परमात्मा ने आपके साथ किया। मुझे नहीं पता आप कहां तक जाएंगे, कितनी लंबी रेस करेंगे, कब गिरेंगे, कब ठहरेंगे, कब छोड़ देंगे, और मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अपनी अपनी जिंदगी है भाई, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है। किसी ने कहा है नजर का इलाज है पर नजरिए का इलाज नहीं है। तो नजरिया दुनिया में सभी का ऐसा होता है कि ठीक है आराम करे, तो अपनी लाइफ भी ऐसी चल रही थी। फिर ऐसा जो बिजनेस जो आप कर रहे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 98 से मेरी जिंदगी में आ रहा है। कब से? 98 से।
विल यू बिलीव कि मैंने 98 से बिजनेस कभी 2007 तक हजारों लोगों ने समझाया पर मैं इसमें कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। जो तनख्वाह मिल रही है बहुत है, और जो जिंदगी जिंदगी जीने को मिली है वो बढ़िया है, और घर परिवार ठीक है, छोड़ो क्या करना है हमारे कुछ काम का 98 से। क्योंकि जिंदगी में जब तक इंसान लाइफ में किसी ऐसी दिक्कत परेशानी तकलीफ से नहीं जूझता कि उसको ये एहसास हो जाए कि पैसा क्यों जरूरी है, तब तक वो एक्स्ट्रा प्रयास या प्रयत्न नहीं करता। तब तक वो 4 घंटे की नींद नहीं लेता, 8 घंटे की नींद लेता है। तब तक वो दोपहर को जागता ही दोपहर को सोता है, क्योंकि जब तक लाइफ में कोई ऐसा लम्हा ना आ जाए कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, ये मेरे को सबक ना मिल जाए, तब तक कोई ये काम नहीं करता। हमारी जिंदगी में क्या हुआ, हमें सबक कहां मिला, कैसे मिला? बच्चे थोड़े बड़े हो गए, घर में सबके चलते हैं, आपको पता ही है, झगड़े तगड़े सबके चलते हैं। हमने कहा हम अपना जीवन खुद जिएंगे, हम अपने बच्चों को लेके थोड़ा साइड हो गए। और जब हम अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण भरण नहीं कर पाए, जब हम उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए, उनका बीमारी में अच्छा हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए, जब हमें पता चला कि हमारे 2 बच्चों को भरपेट हम दूध नहीं ले पाए, जब हमने अपनी वाइफ को बोला कि यार एक कप चाय बना के ला, और उसने ये कहा कि दूध खत्म हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके घर में होता है, होता नहीं होता, मेरे लिए मुद्दा बन गया। मैंने कहा दूध क्यों खत्म हो गया, बोली 1 ही किलो तो लेती हूं, तो मैंने 1 किलो क्यों लेती है, बोला तू क्या मुझे 50,000 भेजता है, 5,000 भेजता, उसमें क्या हुआ। फिर मुझे कहा कि बिटिया मेरी छोटी थी उस टाइम पे, बेटी मेरी साल भर की रही होगी, 2005-06, हाँ 1 साल की, बेटा था मेरा 6-7 साल का, तो बोली कि तुम्हें पता तुम चाय की बात कर रहे हो, बेटी को भी दूध नहीं मिलता, बेटा ही सारा पी जाता है, दूध कोई मुद्दा नहीं है, 1 किलो दूध, आधी किलो दूध सबके घरों में ऐसे चलता है, जैसा बजट वैसी सब्जी, वैसे फल वैसा दूध, है ना, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अस्पताल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि छोटे डॉक्टर को दिखाना है बड़े डॉक्टर, कोई मुद्दा नहीं है ना। लेकिन मुझे उस दिन किक मिली, किक लाइफ में पहली बार, मुझे उस दिन पहली बार जिंदगी में लगा कि यार इस पृथ्वी पे आके 2 बच्चे तूने पैदा किए और तेरे औकात इतनी नहीं है कि तू इन्हें भरपेट दूध पिला सके, तो ये जीवन धिक्कार है तेरा, ऐसा जीवन नहीं जीना है, या तो अब कुछ करना है या मरना है, सही बता रहा हूं। और ये बताने का मन मेरा इसलिए कर रहा है आज कि जब आप हाथ मिला रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे मतलब आप मुझसे हाथ मिला रहे हो तो ये कोई मतलब मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे लंबी कहानी है। ऐसे नहीं है कि मुझे किसी ने प्लान दिखाया, मुझे पैसा अच्छा लगा और मैं पीछे पड़ गया, कोई नहीं भागता पैसे के पीछे। आज से पहले भागे हो आपके गली में मोहल्ले में पैसे वाले नहीं है क्या, तो आप क्यों नहीं बने? आपके गांव में पैसे वाले नहीं है क्या, आप क्यों नहीं बने? आपके शहरों में पैसे वाले नहीं है क्या, आप क्यों नहीं बने? आप हमारे रैंक देखकर, हमारी अचीवमेंट देखकर, हमारी गाड़ियां देखकर, हमारा घर देखकर कभी आपके अंदर कोई किक नहीं आएगी? पहली बार देखेंगे गाड़ियां बड़ी, पहली बार बड़े लोग देखेंगे क्या? नहीं ना, कोई किक नहीं आती हमारे को आम जिंदगी में, हमें लगता है जैसी है जिंदगी ऐसी चलेगी, किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। कोई पहली बार पैसे वाले लोग देख रहे हो क्या तुम? आदमी को किक आती है अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से, अपनों के आंसुओं से, अपनों के दुखों से। मोटिवेशन से किक नहीं आती। तब मुझे किक लगी कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना, मैंने मेरी वाइफ के साथ बैठा और मैंने कहा धिक्कार है इस जिंदगी पे, मैं क्यों पैदा हुआ इस धरती पे कि इन बच्चों को भरण पोषण अच्छा नहीं कर सकता, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, अच्छे फल नहीं खिला सकता, और ये गवाह है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा मस्जिद है, मेरा गुरुद्वारा है, जो एक एक बात मैं कह रहा हूं, नो मोटिवेशन, मेरी वाइफ और बच्चों से पूछ लेना कभी जिंदगी में मिले, ये 100% सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप भी उस सफर पे निकल चुके हो, जैसलमेर अचीव करके एक सीढ़ी चढ़ चुके हो, जिस सफर पे मैं 2007 में निकला था। क्यों करना है ये बिजनेस, ये जानना जरूरी है। कैसे होगा,
इसे जानना जरूरी नहीं है, वो एक प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, सीख जाता है, काम भी आ जाता है, लोग भी मिल जाते हैं, प्रोडक्ट भी बिक जाते हैं, एसपी भी आ जाते हैं, टीमें भी बन जाती है, टीमें भी चल जाती है। पर क्यों करना है ये बिजनेस, ये सवाल का जवाब इस दुनिया में एक ही आदमी आपको दे सकता है, और वो आप खुद को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, मैं तो पास तो कोई दिक्कत है नहीं, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, बच्चे अच्छे, लाइफ, बच्चों की स्कूलिंग बढ़िया हो रही है, घर में पैसा बहुत है, बैंक भरे पड़े हैं, और घर में किसी को तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकता हूँ, कहीं भी इलाज करा सकता हूँ, अगर आप इतने कैपेबल हैं और इस लेवल पे हैं, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जगह उन्हीं के लिए है जिनके जीवन में अभी कोई कमी चल रही है, उस कमी को पूरी करने का रास्ता ही, मंजिल ही डायरेक्ट सेलिंग है। मेरी बात समझा रही? पेट भरे हुए को भूख लगती है क्या? भूखे को भूख लगती है। कितनी भूख है तुम्हारे अंदर, कितनी तड़प है तुम्हारे अंदर, और कितनी मोहब्बत है तुम्हारे अंदर अपने परिवार से, अपनों से, ये तुम्हें बड़ा बनाएगा। कितनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे है, ये बड़ा नहीं बनाएगी। कंपनी से है, ये बड़ा नहीं बनाएगी। कितनी मोहब्बत तुम्हारी तुमसे, खुद से और तुम्हारे परिवारों से, ये तुम्हें बड़ा बनाएगा। तो क्यों करना है ये सवाल का जवाब ले जाओ। आपका ट्रिप सक्सेस है, और आने वाले सारे ट्रिप एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप अचीव नहीं करोगे, एक भी। अब ये क्यों कहां से आएगा, ये आपके जीवन को देखो, समझो मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे घर पे आज क्या है। हर आदमी के पास क्यों है, वो छुपता है, बचता है, डरता है, भागता है, कमजोर है नहीं, कमजोर दिखाने का बहाना करता है। क्यों सबके पास है, सबके पास क्यों है, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास तो बहुत सारे क्यों खड़े हैं। किसी का क्यों हो सकता है किसी को अपना घर बनाना, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करनी है, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपने माँ बाप को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, किसी का क्यों हो सकता है उसे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो चाहे वो खा लेना है, जो चाहे वो पहन लेना है। हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी तकलीफें हैं। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं आपको गले मिल गए, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड शाबाश, चिंता मत करो मैं हूं, चिंता मत करो मैं हूं, चिंता मैं हूं, ये ठीक है, पर मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके साथ आपके दुखों में, तकलीफों में शामिल नहीं हो सकता। वो आपकी अपनी है, वो आप ही को झेलनी है, वो दिक्कतें, वो तकलीफें, वो परेशानी आप ही को उनसे लड़ना है। कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए, ना ब्लाइंड ना डाउनलाइन, याद रखना है मेरी बात, कोई नहीं लड़ेगा, वो आप ही की तकलीफें हैं। तो आपका क्या क्यों है, ठोस क्यों क्या है। मेरा ठोस क्यों क्या था कि इस जन्म में अगर जीवन लिया है तो जिंदगी एक कमजोर बाप की नहीं, कामयाब बाप की जी के जन्म। मेरा ये क्यों था, मुझे उसने मेहनत करने की प्रेरणा दी, क्योंकि मैं इतना मोटिवेट होता, इतना विजनरी होता, इतना मुझे सक्सेस होना होता भैया, तो मैं 28 साल की उम्र में धंधा शुरू ना करता, 16 साल में कर देता, 18 साल में कर देता, कुछ तो करता, लेकिन मैं तो कुछ ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे कभी किक नहीं मिली। तो क्या आप लोगों की जिंदगी में सुकून है सारे, हाँ? क्या आप जीवन में बिल्कुल सुखी हो चुके हो, जीवन की हर मुराद आपकी पूरी हो चुकी है, हर चाहत आपकी पूरी हो चुकी है, हर कामयाबी आपको मिल सकी है? नहीं मिली तो क्या जरूरत है आपको किसी से मोटिवेट होने की, क्या जरूरत है आपको किसी को ये कहने की तू काम कर। यार कमाल करते हम लोग, ऊपर वाले ने कुछ बड़ा करने का मौका दे दिया तो लोगों को हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, और जब कमजोर जिंदगी जी रहे थे तो सुबह 8 से 8 की नौकरी करते थे, तब कोई नहीं कहता था कि नौकरी जा, खुद जाते थे, कोई नहीं कहता था दुकान खोल, खुद खोलते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे काम थे। आज बड़ा काम करने का मौका मिल गया तो हेल्पलाइन को फोन करना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है, आपको जगाना पड़ता है। दोस्तों जो दूसरों के सहारे पे चलते हैं
लड़खड़ा के रास्ते में ही गिर जाते हैं, और जो अपने दम पे उड़ान भरते हैं उन्हें उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस में आ रही है ये सब, तो सेल्फ मोटिवेशन क्यों नहीं है हमारे अंदर? एक ही कारण है कि हम चीजों को थोड़ा गहराई से नहीं देखते। बस अगर थोड़ा डेप्थ स्टडी करने लगे, डेप्थ समझने लगे, वाह क्यों मैं, क्या किस लिए मैं है, क्यों, तो समझ में आएगा जिंदगी क्या होती है। मैं छोटी सी बात बताता हूं, मेरी पोस्टिंग थी पुलवामा, राष्ट्रीय राइफल्स होती है, तो मेरे यहां से एक ट्रेन चलती है शालीमार। उस ट्रेन के अंदर हम जो आर्मी वाले होते हैं ना, हमारे को वारंट मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वारंट लेके बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमारे बाप की ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठ जाओ। लेकिन हमें सीट नहीं मिलती, रिजर्वेशन का डिब्बे में घुसने का एक्सेस हमारे पास होता है। मोदी नगर सिटी है एक, वहां से मैं चढ़ा, ये मैं रियल बात बता रहा हूं आपको। लाइफ में ऐसे हादसे हमें बड़ा बनाते हैं। आदमी नॉर्मली कोई काम नहीं कर सकता, नॉर्मल इतने पैसे कमा लेगा आ जा, नहीं आएगा कोई, जब तक उसके अंदर से कोई भाव नहीं आएगा कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। तो मैं ट्रेन में चढ़ गया, मेरठ आ गया, रात हो गई, तो मैंने कहा चलो सोते हैं, तो मुझे सीट नहीं मिली, तो मैंने मेरठ रेलवे स्टेशन से अखबार खरीदे, और अखबार खरीद के मैंने जो रिजर्वेशन की सीटें आपने देखी होंगी स्लीपर क्लास, इधर इधर के बीच में एक जगह होती है, उसमें मैंने वो अखबार बिछाए, और अखबार बिछाने के बाद मैं उन पर लेट गया, तो यहां पर दो तीन लोग बैठे थे, तीन सीट इनकी थी, तीन इनकी, आप बिलीव करोगे उन्होंने मुझे पैर के ठोकर से उठाया था। हे हे उठ उठ, कौन है तू? मैंने कहा यार आर्मी वालों क्या हो गया? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आर्मी वाले हो तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहां नहीं सो सकते क्योंकि आपका रिजर्वेशन नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं तो धरती पे सो रहा हूं, मैं कौन सा तुम्हारी सीट ले रहा हूं? नहीं नहीं भाई साहब, रात को हमारा कोई सामान चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? नॉर्मल है, नॉर्मल है, रिजर्वेशन नहीं है तो उठा के लोग बाहर करेंगे, किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए वो जीवन का सबक हो सकता है। कोई तो सोचता हाँ यार अपने रिजर्वेशन नहीं है तो लोग तो बोलेंगे, पर मेरे लिए पता नहीं क्या था, मैं जाके बैठ गया जो दरवाजा होता है ट्रेन का, और मैंने रोना शुरू किया था मुजफ्फरनगर से, और मैं रोता रहा था पठानकोट तक, मेरे आंसू नहीं सूखे। मैंने भगवान से कहा यार क्या जिंदगी दी है कि नीचे भी सो रहा था, वहां भी लोग नहीं सोने देते, कम से कम इस काबिल तो बना देता कि ऊपर की सीटों पर तो लेट जाता, पूरी रात रोया था, वो भी एक सबक था। ऐसी थोड़ी 18 घंटे काम किया है, 20 घंटे काम किया है, 18 साल हो गए आज काम करते हुए। कल आप लोग बड़ी मुबारकबाद दे रहे थे, गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, 10 दिन में नहीं ली, 18 साल में ली, 18 साल हो गए काम करते हुए, 18 साल हो गए 18 घंटे काम करते हुए, 18 साल से ना आज तक ढंग से सोए हैं, ना समय पे खाया है, ना परिवार के साथ रहे हैं, सिर्फ वो ठोकरे याद आती है जब उन कुत्तों ने मुझे उठाया था कि चल खड़ा और उधर बैठ जा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसे सबक आप सबको मिलते हैं, वक्त वक्त पे मिलते हैं। हजारों में ऐसे एग्जांपल दे दूंगा जो हमें गरीब होने का एहसास दिलाते हैं, दिलाते हैं नहीं दिलाते, दिलाते हैं नहीं दिलाते। हॉस्पिटल में जाते हैं बड़े, फीस नहीं जमा कराते, कितना ही बीमार हो बोला नहीं रुक जा, एहसास नहीं दिलाते। ट्रेनों में जाते हैं, हमारे स्लीपर में रिजर्वेशन होते हैं, हमारे बच्चे गर्मी में तड़पते हैं, दुनिया के एसी में सोते हैं, गरीबी का एहसास नहीं दिलाते। दुनिया जहाजों में उड़ के आती है, हम बसों में ट्रेनों में धक्के खाते हैं, क्या गरीबी का एहसास नहीं दिलाते? ऐसे हजारों लम्हे जिंदगी में आते हैं जो हमें गरीब होने का एहसास दिलाते हैं, और आज ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी में आया है जो तुम्हें अमीरी का एहसास दिला रहा है। दिला रहा है नहीं दिला रहा है? राजा की तरह होनी है, होटल मिला, कमरा मिला, बेड मिला, कुर्सी कम मिली, मान रहा हूं, किले जैसी महल में रहने का मौका मिला, डीजे पे नाचने का मौका मिला, बताओ ये एहसास अमीरी का था या गरीबी का था? बस ये एहसास से दूर मत जाना, इस एहसास के साथ रहना, ऊपर वाला पकड़ के अमीर बना देगा। ये कहानी, ये मैंने अपनी लाइफ स्टोरी तुम्हें इसलिए सुनाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। हजारों ट्रेनिंग, हजारों मीटिंग तुम्हारे साथ करते हैं, कुछ दिन दौड़ते हो, फिर थक जाते हो, फिर रुक जाते हो,
फिर नेगेटिव हो जाते हो, मैं तो नहीं करूंगा, जहाज चल रहे हैं तेरे, क्या करेगा क्या करेगा, ये करेगा क्या वो बता दे, हम भी कर लेंगे, हम भी दुखी हो गए भोगते भोगते इस माइक पे 18 साल से भागते भागते इधर से उधर उधर से इधर, हमारे भी गले की नसें खराब हो चुकी बोलते बोलते, जो तू करेगा मैं भी कर लूंगा, मुझे भी ले चल अपने साथ, क्यों व्हाई क्या है नेगेटिविटी। अरे दौलत से कोई नेगेटिव होता है क्या? अगर तुम इतने नेगेटिव हो जितने पैसे जेब में रखे उठा निकालो, लाओ मेरे को, तुम लाओ 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 लाओ, देखो मैं हूं भिखारी, मैं मांग रहा हूं, नेगेटिव हो गया बड़ा रईस है। बोलो मैं निकम्मा हो गया, नेगेटिव नहीं, मैं निकम्मा हो गया, मैं कामचोर हो गया, मैं सेल्फिश हो गया, मैं मतलबी हो गया, मैं उन लोगों की कैटेगरी में चला गया जो गलियों में दारू पी के पड़े रहते हैं और जिनकी बीवी लोगों के घर पोछा मार के अपने बच्चों का पेट पालती है, मैं वो निकम्मा वो नाम मर्द हो गया। ये बोला करो, ये मत बोला करो मैं नेगेटिव हो गया। दुनिया में कोई नेगेटिव नहीं होता, पैसे से, गाड़ी से, कामयाबी से, अच्छे घर से कोई नेगेटिव होता है तो यहाँ क्या मिलता है? अच्छा घर, अच्छी जिंदगी जीने का मौका, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला मिलता है? नहीं मिलता। तो नेगेटिव कोई नहीं होता, ये सिर्फ बहाना है, और मैं अच्छी तरह समझता हूं मुझे नहीं बना पाओगे तुम, समझे? इसलिए हम लोग फेक बातें नहीं करते। एनी हाउ, अब तो आप अगर नेगेटिव होते हो तो आपका 100% नरक की मैं गारंटी लेता हूं। देखो शुरू में हो जाते एक बार तो फिर भी चल जाता, मतलब कुछ जैसलमेर आके भी हो गए तो भगवान नरक में डालेगा। तेरे को बताया था, जिताया था, हराम जाते फिर नेगेटिव हो गए। तो क्या रहना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव आदमी रिजल्ट की चिंता नहीं करता, पॉजिटिव आदमी रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, पॉजिटिव आदमी सिर्फ एक ही काम करता है, सुबह उठता है और रात तक सच्ची आत्मा सच्चे दिल से काम करता है और फटकार के सो जाता है और भगवान को कहता है मैं पॉजिटिव हूं, अपने अंतर आत्मा से काम करता हूं, मेरे पास पूरा बिलीव लेवल है, अब तुझे जो फल देना है दे दे। और ऊपर वाला पॉजिटिव आदमी को कभी नेगेटिव फल नहीं देता, याद रखना कभी नहीं देता। देखो हम तो ट्रेन है, कोई चढ़ रहा है कोई उतर रहा है, लेकिन हम तो चलते जा रहे हैं और जो हमारे साथ बैठा है उसकी मंजिल भी नजदीक आती जा रही है और जो उतर गया वो ठेली लगा रहे, समझे? तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आओ तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करना, मैंने कंपनी छोड़ दी तो क्या होगा, तू आज छोड़ दे, हमारा तो वही होगा जो पहले से भला हो रहा, भगवान हमारा भला ही करता है, तेरा क्या होगा ये सोच ले, तेरा क्या होगा, तू उसी गटर में जाएगा जिस गटर से हम निकाल कर लाए, उसी जिंदगी को फिर दोबारा गले लगाएगा जो जिंदगी तू छोड़ना चाहता है। किसी का कुछ नहीं होता दोस्तों, किसी का कुछ नहीं होता, होता सिर्फ हमारा इंडिविजुअल है। लाइफ में दुख भी हमारे हैं और सुख भी हमारे हैं, अगर दुखी है तो भी हमें और सुखी है तो भी हमें, तो हमें अपने दुखों और सुखों की चिंता करनी है। समझ में आ रही है? तो ये जो जोश, ये जो ऊर्जा पिछले 3 महीने तुम्हारे अंदर थी। अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।